राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। सिबनी मालवा। होशंगाबाद जिले की सिबनी मालवा तहसील की 12 वर्ष की उम्र में अनन्या शर्मा बनी कथावाचिका। जहां बच्चों की खेलने की उम्र होती है, अगर वही बच्ची कथावाचिका बन जाए तो इसे भगवान का ही चमत्कार मानेंगे। ऐसा ही मामला सिबनी मालवा में चाइल्ड केयर स्कूल संचालक अतुल रेखा शर्मा की बिटिया ने कर दिखाया। खेलने की उम्र में कथावाचिका बन गई नन्ही सी बालिका अनन्या शर्मा। नानी बाई का मायरा इस तरह से करती हैं कि लोगों का मन मोह लेती हैं। महानगर में कथा करने के बाद झारखंड टाटा नगर में भी उनकी कथा है। जब हमारे संवाददाता के यदुवंशी ने अनन्या शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, बच्चों के साथ खेलती भी हूँ और जब कथा व्यास गादी पर बैठती हूँ तो कथा भी करती हूँ। यह तो बस मेरे ठाकुर जी की ही कृपा है। जिले के सिवनी मालवा तहसील की कथा वाचिका 12 वर्ष की उम्र में ही कथा वाचिका बन गई अनन्या शर्मा, जिससे हम चर्चा करेंगे। अनन्या जी, कब से ये कथा कर रहा हूँ? जी बस कुछ महीनों पहले से मैंने कथा करना आरंभ करा मेरे ठाकुर जी की कृपा से, करीब 4 से 5 महीने। यह सब कैसे सीखी कथा आपने सीखने वाले? जी देखिए, ये सब ठाकुर जी की कृपा थी, उन्होंने मुझे संकेत दिया और उनने मुझे जब संकेत दिया मैंने अपने पिताजी से एक बार शेयर किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट करा और उन्हीं के कारण मुझे बनाया। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि मैं अपने ठाकुर का से 5 नवंबर, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी आए ठाकुर जी का आचार करें, उनका गुणगान करें, उनका संकीर्तन करें। अब हम अनन्या जी के पिताजी अतुल शर्मा जी से बात करेंगे कि इतनी कम उम्र में अपने बिटिया को किस तरह इन्होंने कथावाचिका बनाया। शर्मा जी, देखिए मेरा ये मानना है कि यदि बच्चे उनकी मर्जी से कोई कार्य करते हैं और हम उसमें सपोर्ट करें तो वो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अनन्या जी ने मेरे से इच्छा जताई कि मुझे पापा ईश्वर के नाम का संकीर्तन करना है, मुझे कथा करना है। मैंने उनका सपोर्ट किया, उन्होंने मेहनत की और प्रभु के प्रति उनका जो प्रेम था उसके कारण आज वो बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कथाओं का वाचन कर रहे हैं। अभी टाटा नगर जमशेदपुर में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक उनकी कथा है, तो वहीं के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद। तो हम संतोष पारिक जी से चर्चा करें कि हमारी शहर की बिटिया ने इतना गर्व से हमारा शहर का नाम ऊंचा किया, तो वो क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि क्षेत्र का नाम, जिले का नाम अनन्या जी ने रोशन किया है। परमात्मा वो शक्ति दे उनको कि प्रभुति में लीन रहते हुए और अधिक अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज सुधार की भी जो बात वो करती हैं। मैं भी हरदा में उनके कार्यक्रम में था, उन्होंने सोचा करते हुए कि अनन्या जी को और अधिक जो है वो उनके ऊंचाइयों पर जाए, वो और अधिक उनकी वाणी से जो समाज में सुधार आए, और उस दृष्टि से अनन्या जी को बहुत कम उम्र में, 12 साल की उम्र क्या उम्र होती है उस उम्र में, ये सब ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर की शक्ति का जो प्रतीक है अनन्या जी के चरणों को प्रणाम करते हुए। और जो टाटा नगर जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम भी भव्य और हो और हम सब लोग इस कार्यक्रम में ना पहुँचते हुए भी, लेकिन टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से हम उसमें सहभागी बने, यही मेरा शुभकामना। सिबनी मालवा से के यदुवंशी की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।